पृथ्वीराज चौहान का क्या है बेसिक इतिहास, क्या था फिल्म का पहला किस्सा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। मैं आपका होस्ट और दोस्त नितिन आज आपके लिए लेकर आया हूं स्टारडम से भरी मूवी पृथ्वीराज चौहान मूवी से कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। 9 सितंबर 2019 अक्षय कुमार ने अपने 52वें जन्मदिन पर ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो पृथ्वीराज नाम की फिल्म करने जा रहे हैं। 14 मार्च 2020 जयपुर के पास जमुआ रामगढ़ नाम के गांव में पृथ्वीराज की शूटिंग चल रही थी। करणी सेना के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकवाना के अंडर वहां पहुंच गए, हो हल्ला हुआ, प्रोटेस्ट किया और डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने शूटिंग रोकने को कहा। डायरेक्टर साहब इन लोगों को समझा रहे थे, लेकिन करणी सेना का कहना था कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। फिल्म का नाम सिर्फ पृथ्वीराज रखने पर भी नाराजगी दिखी, कहा गया पूरा नाम लिखें। इसका वादा वो फिल्म मेकर्स से लिखित में मांगते रहे। हालांकि चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने उन्हें विश्वास दिया कि रियल फैक्ट्स से छेड़छाड़ नहीं होगी, ये बस एक हॉलमार्क है इतिहास की पर्सनैलिटी पर हुए विवाद की। अब तक हम सब सिर्फ स्कूल की किताबों से लेकर इतिहास की किताबों में पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी के किस्से देखते पढ़ते आए हैं, लेकिन अब इसी इतिहास को बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार लेकर आ रहे हैं, जिसमें वो पृथ्वीराज चौहान के रोल में नजर आएंगे। और वहीं विश्व सुंदरी मानुषी छिल्लर फिल्म में उनकी प्रेमिका संयोगिता के रोल निभाएगी। तो आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के कुछ ऐसे किस्से जिससे आप सभी अनजान हैं, साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की प्रेम गाथा कैसे शुरू हुई। इतिहास की अलग अलग किताबों में पृथ्वीराज चौहान को लेकर अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। हालांकि एक जानकारी कंफर्म्ड है कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 के अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ प्रेजेंट के गुजरात में हुआ था। उनकी माँ कर्पूरी देवी दिल्ली के राजा अनंगपाल की इकलौती बेटी थी। इतिहास में उनके दो किस्से बहुत फेमस हैं, एक राजकुमारी संयोगिता से विवाह का और दूसरा मोहम्मद गोरी को मारने का। लेकिन आज हम सिर्फ उनके एक ही किस्से की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। राजकुमारी संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद राठौड़ की बेटी थी। उन्होंने पृथ्वीराज का चित्र देखा था और पृथ्वीराज ने उनका, और दोनों ने मन ही मन एक दूसरे को जीवन साथी मान लिया। लेकिन जयचंद की पृथ्वीराज से कोई नाराजगी थी। उन्होंने बेटी का स्वयंवर आयोजित किया, दूर दूर के राजकुमारों को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। यही नहीं, उनकी मूर्ति बनवाकर द्वारपाल के स्थान पर लगवा दी। संयोगिता ने भी स्वयंवर में आए किसी राजकुमार को नहीं चुना और मूर्ति को ही माला पहनाने लगी। तभी पृथ्वीराज वहां आ गए और माला उन्हें पहना दी। इससे पहले कि जयचंद कुछ करते, पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर चले गए। तो ये थी महान लोगों की महान गाथा। अब बस सभी को इंतजार है तो इस फिल्म का, और अक्षय को एक्टिंग करते हुए देखने के साथ ही साथ मानुषी छिल्लर ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया है, तो पूरी दुनिया की नजर उनकी एक्टिंग स्किल्स पर भी टिकी हुई है। वेल दर्शकों, अब इसी के साथ खत्म करते हैं बातों का सिलसिला, लेकिन आप बस हम पर एक मेहरबानी करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और हम कहां भागे जा रहे हैं, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।